In the name of Allah, the most affectionate, the most merciful. Assalamu alaikum, dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officials and I am Asghar Bukhari. Uh, if you are new on this channel and still you did not subscribe this channel, so please subscribe, like, and share. And you can also ask if you have any question in the comment box dear students as you know that we have started a series regarding o level islamic studies uh, and the topic that i am going to discuss with you today that is migration to abyssinia uh, according to the previous strategy the, there would be three parts of this uh, video first of all uh, reasons of this migration second one main events that occurred in this uh, video and the third one consequences and benefits of दिस माइग्रेशन एंड वट कैन मुस्लिम लर्न फ्राम इट सो स्टेट यून वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑलकस अबाउट द रीज़न्स द मेन रीज़न ऑफ दिस माइग्रेशन वॉज प्रसिक्यूशन बाई द क्रैश ऑन दम्पेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट सलील वापको पता है बेटा कि नबी अक्रम सलील सल्लम ने सीक्रेटली इसे शुरू रखा और पांच नबी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केलान नबूत या इजहार नबूत के पाँच साल के बाद दैन होली प्रॉफिट सलील वल्म सॉ दैट द प्रसिक्यूशन एंड अपोज़िशन ऑफ द कुरैश इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे दैन होली प्रॉफिट सल वसम गेव परमिशन परमिशन टू हिज़ कम्पेनियन्स दैट दे शुड माइग्रेट और इमिग्रेट फ्राम मक्का टू एबिसिनिया सो होली वली प्रॉफेट आपको पता है कि हम के, के कुार मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ, जो है बड़े जुल्म सितम किए ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आ, उनके हत्े चढ़ जाते जो जिन पर वो डोमिनेशन हासिल कर लेते उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसिक्यूट करते और इसी के से उनकी कोशिश थी कि हम इनको जान इवन के कुछ सहाबा को उन्होंने जान से भी मार दिया तो जब इस किस्म की सिचुएशन बनी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर एक लेसन क्या है लेसन ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ौर से सुनी मेरी बात <स्थाँगा> नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत के अंदर रियासत नहीं बनाई वो एक रियासत थी मक्का लेकिन उसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंपेनियंस को इस बात पे मोटिवेट नहीं किया कि आप इनके खिलाफ तलवार उठा लें या आप आ, इनको आ, अपना डिफेंड करते हुए आप इनको भी जो है वो इनका मर्डर करें होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की तालीमत अपने कंपेनियंस को नहीं दी तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया आपने परमिशन दी होली प्रॉफिट वसल्लम गेव परमिशन ऑन द फिफ्थ ईयर ऑफ प्रॉफिट हुड टू इलेवन मैन एंड फोर वुमेन सीक्रेटली माइग्रेशन अली प्राफ़टी वसल्लम ने उनको इजाज़त दी कि आप जो है वो खामोशी के साथ आप मक्का छोड़कर आप एबिसिनिया चले जाएं आप हबशा चले जाएं बल्कि हदीस वारका भी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अक्रम सलीलम ने शाह फरमाया कि अगर तुम हबशा चले जाते हो तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर तुम खैर पाओगे इस किस्म के अल्फाज जो हैं वह हदीस में आते हैं कि अगर तुम यहाँ से हबशा चले जाते हो तो तुम यकीन वहाँ पर ख़ैर जो है वो पाओगे तो नबी अकरम सलील वस ने अपने कम्पेनियन्स में को इजाज़त दी कि आप यहाँ से माइग्रेशन करके आप हमशा चले जाएँ तो फर्स्ट अटैम्प्ट जो थी फर्स्ट स्लॉट जो थी उसके अंदर 11 मैन एंड फोर वुमेन सिक्योरिटी माइग्रेटेड जिसके अंदर नबी अक्रम स दामाद हज़रत ओस्मान गनी रदील्ल् हो और नबी अकरम सल वसम की बिलावड़ डॉटर हजरत रुक़ रदील्ल हाँ भी इसके अंदर शामिल थी इसके अलावा इसके अंदर जो बाकी जो कम्पेनियंस है मैं उनके नाम भी बोल देता हूँ उसमें से जितनी आपको याद रह जाए यू कैन राइट इन योर आंसर हजरत अबूफ़ा और उनकी बीवी हजरत साहला बिनत सुहैल हजरत अबूसलमा अपनी बीवी के साथ हजरत उम्म सलमा के साथ अबूसलमा सलमा के साथ हज़रत आमिर बिन रबी अपनी बीवी हजरत लैला बिन तबी हशमा के साथ रदील्ल तुमा हज़रत ज़ुबैर बिन आवा रदील्ल तजिर मुसाफ बिन उमैर हजरत अब्दुरमान बिन ऑफ रदील तजरत ऊस्मान बिन मजून स्स्मान बिन अफ़ान जो है वो रही गाइडेड कैलिफ में से थर्ड कैलिफ थे और ये ऊस्मान बिन मजून एक और साबी हैं मज़ून द नाइन्थ वन हजत अबू सहरा बिन अबी रहम हजरत सुहेल बिन बैदा और लास्ट वन हजरत अब्दुल् इबिन मसूद रद्ला हो इसका रेफरेंस है जुर्कानी जुर्कानी मवाहिब ये इसका रेफरेंस है कि ये कंपेनियन जिन्होंने फर्स्ट स्लॉट में माइग्रेशन की वन दे अप्रोच देयर एंड वन दे रीच देयर दे फेल्ट अच्छा ये कश्ती के जरिए गए थे ये कश्ती के जरिए जो है हमेशा तक पहुँचे और इनका ताकुब करने की भी पैगेंट्स ने कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे अब जब ये वहाँ पर चले गए तो दे फेल्ट वेरी ईजी फॉर फॉर देम सेल्व्स और उन्होंने वहाँ पर जाकर अपने रिचुअल्स अदा करना शुरू कर दिए अपनी ट्रेडिशंस जो है वो अदा की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी लेकिन सारी बात है यू नो कि ये इट वाज हम ये कह सकते हैं कि ये एक हार थी इट वाज ए लूज या इट वॉज अ ग्रेट लॉस फ्रॉम दैट फ्राम अंडरस्टैंडिंग व्रैश या पैकेट्स ऑफ मक्का दे वर थिंकिंग दैट दिस इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर अस कि वो हमारे चुंगल से निकल कर वो हमारी ऑक्यूपेशन से आ, हमने उनको ऑक्यूपाई किया हुआ था इससे निकल कर जो है वो किसी और रियासत में चले गए हैं तो उन्होंने सब्र से काम नहीं लिया उन्होंने फिर क्या किया Uh, नहीं सॉरी इसके बाद मैं बात करता हूँ तो जब वो वो जब ये कंपेनियंस uh, ने वहाँ पर जाके रहना शुरू कर दिया तो कुछ ही अरसे बाद ये र्यूमर्स फैल गए र्यूमर्स स्प्रेड अमंग दैम दैट ऑल अरेब एक्सेप्टेड इस्लाम दे हैव एम्बरेज इस्लाम सो इन्होंने हबशा को तर्क किया और ये वापस आ गए मक में लेकिन जब यहाँ पे पता चला कि यहाँ पर तो सूरत हाल और भी ख़तरनाक है सो इनके लिए भी बड़ी परेशानियाँ हुई और बड़ा छुप छुप कर इन्होंने रहना शुरू कर दिया इवन के पैगंडस ऑफ मक्का ने इनको तलाश कर कर के इनको ह्यूलिएट किया और इनको टॉर्चर किया और इनके ऊपर अपने प्रोसिक्यूशन जो है वो जारी रखे उसके बाद नबी अक्रम सल्ह सल्म ने चूँकि ये लोग वहाँ देखाए थे कि वहाँ की फ़ाँ कैसी थी और वहाँ के लोग कैसे थे उनका रहन सहन कैसा था और हमारे लिए वहाँ पर एक पीस था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेकंड स्लॉट में कंपेनियंस को इजाज़त दी कि आप जो है वो दोबारा इसको हम कहते हैं सेकंड माइग्रेशन टू एबिसिनिया तो नबी वसल्लम ने सेकंड बैच में 83 थ्री मैन एंड नाइन्टीन वुमेन वर अलाउड टू माइग्रेट टूवर्ड ए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाजत दी अब यहाँ पर जो है चूंकि ये इनकी तादाद हंड्रेड प्लस थी तो फिर मक्का जो है, उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया उन्होंने क्या किया दे नॉमिनेटेड टू नोटेबल मक्न फॉर दिशन ऑफ दिशन ऑफ मुस्लिम उन्होंने दो आदमियों को अपॉइंट किया उनके नाम क्या है ये बड़े प्रोमिनेंट हैं और ये आप लिख लीजिए मेरा बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल अमर बिन आस सेकेंड वन अब्दुल्ला बिन रुबई अब्दुल्ला बिन रुबई और एक और किताब के अंदर दो नाम अलग से हैं वो अमर बिन आस पर तो कंसेंसिस है द सेकेंड वन अमारा बिन वलीद तो दोनों में से जो अब्दुल्ला बिन रुबैया है या अमारा बिन वलीद इसके ऊपर जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन है तो इन दोनों को अपॉइंट किया और उन्होंने क्या किया दे सेंड दे टू वर्ल्ड किंग नजाशी और नेगस दे सेंड दे एम टू किंग ने डेपटेशन के ताकि जाके उसको कन्विंस करे कि जो लोग मक्का से आपके पास आए हैं दे आर अगेंस्ट नॉट ओनली दे आर नॉट ओनली अगेंस्ट अस बस बट आल्सो दे आर अगेंस्ट योर रिलीजन एंड दे आर प्रोक्लेमिंग अ न्यू रिलीजन दैट इज अगेंस्ट द ट्रेडिशन एंड नॉर्म्स ऑफ द नॉट ओनली अरेप ट्रेडिशंस बट आल्सो दे आर अगेंस्ट योर रिलीजन सो so, उन्होंने इस तरीके से जाकर पहले जो है वो उसकी जो नजाशी था उसकी जो मिलिटेंट जो या जो उसके जो वजारत थे उनको जो है वो जाके मिले उसके बाद फिर दे अप्रोच्ड टू नेगस और उसको जाकर उन्होंने डिस्कशन की कि इस तरीके से जो है वो हमारे कुछ लोग जो है उन्होंने आकर आपके यहाँ पनाह ले ली है और यहाँ पर जब वो आए हैं तो वो क्या करेंगे वो आपको आपके लोगों को भी ख़राब करेंगे और यहां पर आकर जो है एक अजीब सी फजा कायम करेंगे तो इस तरह की कौन सी जो है अगेंस्ट दे स्टार्टेड अब जब ये वाला मामला हुआ तो जो नेगस था जो नजाशी था ही नॉट ओनली किंग बट ही वॉज काइंड एंड जस्ट वो बड़ा मेहरबान भी था और बड़ा आदिल भी था तो उसने एक तरफ की बात जब सुनी पेरेंट्स ऑफ मक्का के जो अपॉइंटेड uh, जो पर्सन थे उनकी तरफ से जब उसने बात सुनी तो उसने कहा कि नो आई विल नॉट कमिट एनी डिसन आई विल नॉट मेक एनी डिसीजन बिफोर द लिसनिंग दिकेंड पार्टी सो उसने क्या किया उसने uh, मुसलमानों को बुलाया अपने दरबार के अंदर और उसने कहा कि हु विल लीड टू यू दैट आई वॉन्ट टू मेक कन्वर्सेशन विद यू सो वहाँ पर जो है वो जो तीन प्रमिनेंट साहबा थे उनमें से हजरत हमजार रजील त हो

वट इज योर क्वेश्चन एंड वट डू यू वांट टू आस यू कैन डिस्कस विद मी सो क्या हुआ जी कन्वर्सेशन विदरत जाफर रजीलो जो कन्वर्सेशन थी दैट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं उसको थोड़ा सा आपके सामने जिक्र कर देता हूँ उस कन्वर्सेशन को हुआ जी कि जब उन्होंने कहा जी कि वट आर यू आप क्या हैं एंड वट इज योर न्यू रिलीजन एंड वट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग क्रिस्चैनिटी एंड टू होम टू हू आर यू बिलीविंग एंड वट इज़ द नेम ऑफ दैट पर्सनैलिटी दैट हैज प्रोक्लेम्ब दैट ही इज द लास्ट प्रोफिट ऑफ अल्लाह माइटी सो ये उसके क्वेश्चन थे तो आपने फरमाया जाफर रजी अल्लाह तुमने कहा, कहा कि अ बादशाह हम लोग जाहिल थे वही वार नेशन दैट वज लीडिंग लाइफ इन द एज ऑफ इग्नोरेंस सो हम बुध प्रस्त थे वहीटर्स We और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा लूट मार ये सब हम करते थे वी वर इन्वॉल्व ऑल दीज बैड हैबिट्स सो अल्लाह माइटी अल्लाह तला ने हम हमारे ऊपर एक मेहरबानी फरमाई और क्या किया ही सेंट हिज बिलव्ड प्रॉफिट अस अल्लाह तला ने अपना रसूल हमारी तरह भेजा और जिसने क्या किया जिसने हसब नसब सदका सॉरी हसब नसब आ, को पीछे छोड़ा और सिद खुर्दानत को हमारी तरफ जो है उन्होंने ऐलान फरमाया और इसके बाद उस रसूल ने हमको शिरक और बुत प्रस्ती से रोक दिया और सिर्फ एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया और हर किस्म के जो सितम थे और तमाम बुराइयों से उन्होंने मना कर दिया हम उस रसूल पर वी बिलीव्ड इन दैट रसूल इन दैट प्रॉफिट और शिर शिरबुद परस्थी को छोड़ दिया एंड वई लेफ्ट पैगनिज्म एंड वी लेफ्ट टू वर्शि आइडल्स और तमाम बुरे जो काम थे हमने उनको भी जो है ख़त्म कर दिया दिस इज आवर गिल्ट दिस इज आवर सिन ये हमारा जुर्म है ये हमारा गुनाह है जिस पर uh, जिसका रिजल्ट क्या निकला आवर नेशन बिकेम uh, एनिमी ऑफ आवर लाइव और इन लोगों ने फिर हमें प्रोसिक्यूट किया हमें सताया हमें परेशान किया एंड वी वर कंपेल्ड टू लेफ्ट वी वर कंपेल्ड टू लीव आवर बिलव्ड होम एंड वी सी शेल्टर अंडर योर काइंड कंस्टिडशन एंड वी माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू एबिसनिया अंडर योर काइंड किंगडम ये वाली सारी बात हो गई तो अब नाउ दीज पीपल आर डिजायरिंग दैट वी शुड लीव इस्लाम दे आर दे आर सेंग हमें इस्लाम छोड़ देना कि अब ये लोग इस्लाम छोड़ दें और ये वापस जो है गुमराही की तरफ आ जाए तो अब आप हमें बताएं कि आप आप क्या करें अब अब हम क्या करें तो जाफर तैयार ने जब ये बातें सुनी सॉरी नजाशी ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसने कहा कि वट इज़ द मैसेज देट इज़ गिविंग टू यू योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लाम तो उस वक्त बड़ी एक हमत अमली के साथ बड़ी एक दूर और बड़ी एक ब्रॉड विजडम का आपने मुजहरा किया हज जाफर तैयार तुमने एंड ही स्टार्टिड टू डिसाइड सुर मरियम बिकॉज ही हैड नॉन द सेंस ऑफ दैट किंग बिकॉज ही वॉज ऑल्सो क्रिश्चन एट दैट टाइम नजाशी नेगस वॉज ऑल्सो क्रिश्चन सो वेन ही हर्ड वर्सिस ऑफ सुर मरियम ही बिगेन टू वीप रोना शुरू हो गया और उसके जो वज़ारात थे देवर आल्सो दे कुड नॉट स्टॉप देयर देयर वीपिंग और हजरत मरीम सला, सलाम लिखा का जिक्र आया हजरत ईसा लिस्त वम की विलादत का जिक्र आया तो जो नजाशी था वो बहुत इंस्पायर हुआ तो क्या हुआ जी नजाशी इज़ रिप्लाई आफ्टर हियरिंग सरा मरियम ही सेड बाई गॉड खुदा की कसम दिस एंड दॉस्पल ये और जो इंजील है आर द लाइट्स ऑफ वन कैंडल ये दोनों जो हैं एक ही नूर की, की रोशनियां हैं एक ही नूर से जो है दो रोशनियां निकली हैं और उसने जो है वो जो तहाइफ जो लेकर आए थे उनको भी जो है उसने वापस कर दिया और मुसलमानों को बड़े सुकून के साथ बड़े इत्मीनान के साथ वहां पर रहने की इजाजत दे दी अब हम आगे चलते हैं बेटा इसका लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वट इज द सिग्निफिकेंस what is the significance of this uh, migration so i would like to discuss i have made few points for you and i uh, i am going to elaborate first major political move nabi akram sallallahu alaihi wasallam ki sab pehli ek badi जो है political move थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने companions को रातों रात हुक्म दिया कि secretly जो है तुम निकल जाओ और वो निकलने में कामयाब हुए और ये एक बहुत बड़ी एक हार थी पैगंड ऑफ मक्का के लिए कि जो है ये कैसे हो मुमकिन है कि 20-25 आदमी जो है वो हमारे यहाँ से निकल जाएं तो ये एक टेक्टिकल ये एक मूव थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और पॉलिटिकल मूव और जो कामयाब भी हुई इसमें किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम नहीं हुई मुसलमानों को और मुसलमानों को ये मौका मिला जानने का कि अल्लाह ताला की ज़मीन जो है वो बहुत वसी है and we can uh, lead we can we can lead our life uh, life we can lead lead our lives uh, beyond the boundaries of Arabia so उनको ये मौका मिला second one जो है uh, to give message of Islam outside of Arabia कि अरब से निकलकर भी जो है वो दीने इस्लाम की वो इशारत कर सकते हैं ये भी उनको मौका मिला फिर उनको दूसरे traditions का पता चला फिर उनको जो उनके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन जो हो रहे थे उसका जो है वो कलाकामा हुआ उसका खात्मा हुआ फिर उनको मौका मिला कि वो वहां पर जाकर जो क्रिश्चियंस हैं क्योंकि मुसलमानों के पास क्रिश्चियंस के लिए भी उनको कन्विंस करने के लिए लॉट ऑफ मटेरियल देर आर देर इज़ अवेलेबल इन द होली कुरान तो वो भी उनके पास जैसा कि हज़त है जाफर त्यारदील तुम ने नजाशी के सामने सोलह मरियम की तरफ शुरू कर दी तो वो जो कॉमन जो उनके दरमियान जो है एस्पेक्ट्स थे उनको भी डिस्कस किया जा सकता था और ये किया भी और वहाँ पर मुसलमान जो है उन मुसलमानों की तादाद डे बाई डे बढ़ना शुरू हो गई उनकी प्रीचिंग की वजह से तो ये भी इसके जो है वो सिग्निफिकेंस है इसकी इंपॉर्टेंस है खली प्रॉफेटी वसम के अच्छा ये मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ पहले वो ये है कि जब खैबर फते हुआ या जब खैबर की जब जंग हुई तो जो मुसलमान गौर से सुनना है वो कंपेनियंस जो हबशा से आए थे जो एबी से आए थे शामिल हुए इसके अंदर खैबर एक्सपीडिशन के अंदर तो खैबर एक्सपेडिशन जब हम जीत गए तो उसके बाद नबी अकरम अलैहि वसल्लम ने वो कंपेनियन्स जो हबशा से आए थे जो ए से से आए थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी मुजाहिदीन के इक्वल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मालिक दिया बट इट शोज़ दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इज दिस दैट होली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंसिडर्ड एबिसीनियन माइग्रेट माइग्रेट परसन अ मुजाहिद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसम ने उनको भी मुजाहिद समझा कि जाना और उनके मुजाहिदीन के बराबर उनको जो है वो शेर दिया तो ये जी सिग्निफिकेंट्स हैं फिर उसके बाद नबी अक्रम सो कम्पेनियंस है उनको एक उनका एक ये एक हौसला मिला और उनके अंदर एक ये, ये हिम्मत पैदा हुई कि हम किसी और वतन के अंदर भी हम एक इस्लामिक स्टेट बना सकते हैं या हम किसी और रूलर के अंदर भी हम जो है पुर अमन तरीके से रह सकते हैं और किसी किस्म की कोई ऐसी कार्रवाई कंपेनियंस की नज़र नहीं आती कि जिसमें किसी किस्म का इंतजार फैलाया गया हो क्योंकि इस्लाम जो है इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ पीस इस्लाम अमन का दर्ज देता है लेकिन इस्लाम जो है ये भी कहता है कि अगर कोई शख्स कहीं जुल्म कर रहा हो तो आप मज़लूम के साथ खड़े हों आप जालिम के साथ ना खड़े हों आप उसको अपने हाथ से रोकें अपनी ज़बान से रोकें अपने दिल से उसको बुरा जाने आप अपने कलम से उसको उसका मुकाबला करें ालिम का आप अपनी ज़बान से उसम का मुकाबला करें तो इस्लाम जो है पीस का दरस तो देता है लेकिन जहाँ पर जुल्म हो रहा होता है वहाँ पर इस्लाम कहते हैं कि आप जो है मज़लूम के साथ खड़े हों होंम के साथ ना खड़े हों तो बेटा दिज आर दिग्निफिकेंस सिग्निफिक इम्पोर्टेंट दिस इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस माइग्रेशन वट कैन मुस्लिम लर्न फ्राम दिस माइग्रेशन या फ्राम दिस इवेंट दिन लेसन इज दिस दैट इफ अ मुस्लिम इफ द मुस्लिम्स थिंक दैट दे आर नाट Uh, feeling better under the domination of any non muslim uh, uh, king or president or or prime minister they are allowed to leave that place and if they if they left that place allah would make them a peaceful way uh, for their progress for their protection for their for, for their uh, prosperity uh, and also uh, for their better future this is the main main uh, lesson that muslims can learn from this event hope this video uh, will also very very informative for you and also will help out to you to uh, write down to note down the answer of this question inshallah and if you still did not subscribe it so like please subscribe like and share inshallah uh, i uh, you will see me uh, in my next video Ta -ta -ta